12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है, लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं, स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं, ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूँ। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूँ जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला, ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को, जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया, 80% महिलाएं। प्लीज, क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात है। नौ गलत। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, तो जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे उनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80,000 करोड़ का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में, यह हमारा अभिमान है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया, ये हमारा अभिमान है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2,60,00,000 महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्विकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई, इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की, इनका उनसे सरोकार है। देश में मोदी सरकार में 3,84,00,000 घर बने, जिनमें से 2,86,00,000 महिलाओं को मिले, इनका उनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि गरीब महिला लखपति दीदी बन गई, वो हमारा अभिमान है, इनका नहीं। हमारे देश में 8,50,00,000 बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली, बेटियां का ये उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं।
5 लाख से ज्यादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई। ये इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है, हमें अपनी बेटियों पे गर्व है। 5 लाख दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु का उपकार है। 1,28,000 बेटियों को मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दी जाती है 12,000 रुपए की हर साल। ये सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2 लाख से ज्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट 100% है इस देश में, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार फीमेल एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में महोदय 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है महिलाओं का, ये देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है 38%। दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं हमको है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चे लड़कियां 63% उनका एनरोलमेंट बढ़ा महोदय, आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री को सेवा का मौका दिया, ये हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो महिला ने नॉर्थ ईस्ट में 34% की इंक्रीज हुई है एनरोलमेंट में। नॉर्थ ईस्ट के मेरे सभी साथियों को, चाहे वो सदन में कहीं भी बैठे हों, महिलाओं की दृष्टि से मैं अभिनंदन देती हूँ।